सेवान संस्था से आया हूँ। हाँ। स्वतंत्र एवरिस्ट का काम करता हूँ। हाँ। और मेरा नाम बिहारी सिंह मराजी है। क्या दीदी आप अपना परिचय बताएंगे? हाँ भैया, मोर सुकरती भैया, नाम है भैया, मैं ग्राम बनू की रहने वाले हूँ। हाँ दीदी, क्या कर रहे हैं भैया? पांच पत्ती के घोल बना रहे हैं। दीदी ये पांच पत्ती का घोल क्या चीज होता है? ये भैया एक प्रकार की दवाई होता है। कौन सी दवाई? या फसलों में जो कीड़ा लगता है वो मैं चीज था। कौन कौन सी फसल है दीदी? हर चीज फसल भैया, टमाटर की खेती है या धान की खेती है, जो भी फसल है वो काम आता है। अच्छा दीदी, ये फसलों में काम आता है तो मक्का में भी डाल सकती है? हाँ भैया, जो कीड़ा हो जाता है तो वो मैं डाल सकता हूँ। पांच पत्ती का जो घोल बना है, पांच प्रकार की पत्ती का घोल। हाँ? तो ये कौन कौन सी प्रकार की पत्ती है? यहाँ तो बहुत ढेर सारे पत्ती रखे हुए हैं, उनके नाम बताएंगे का? हाँ भैया। ठीक है दीदी, बताइए कौन कौन सी प्रकार की पत्ती है? यह देख रंग की पत्ती है भैया, इसको एक किलो लेते हैं। ये नीम का पत्ती है भैया। हाँ? इसको भी एक किलो लेते हैं। यह निर्गुंडी है भैया, इसको भी एक किलो लेते हैं। ये रतन जो है भैया, एक किलो इसको भी लेते हैं। यह अरुषा की पत्ती है भैया, ये 10 लीटर पानी है भैया। 10 से 12 लीटर पानी हो सकता? नहीं भैया, 10 लीटर मटका, 10 लीटर रखी है। ऐसा? हाँ, ये 10 लीटर की मटका है भैया। ये मटका 10 लीटर रखता है दीदी ना? हाँ भैया। हाँ, इसीलिए 10 लीटर पानी भी रखी है। हाँ। ये पन्नी है भैया, इसको ऐसे ढक के ऐसे और इसको सबको घोल बना के हमें डाल के और फिर ऐसे बांध देते हैं। सिल देता है भैया, सब पीस थे हम। सभी सामग्री आप मुझे जानकारी बताए और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इनको आप चीज से बताऊंगी का? हाँ भैया। तो ठीक है, इसको पांच पत्ती के घोल को बना के बताइए हमको। हाँ, इसको हम ऐसे बताओ ऐसे भर के भैया। हाँ दीदी। फिर ऐसे पीसेंगे हम। पीसेंगे? हाँ। यार हम जो ऐसे पीस लयन भैया। हाँ हाँ दीदी। हाँ, और ऐसे पीस के लो बेसन भैया। हाँ। और फिर यह बेसन पत्ती और फिर यह निर्गुंडी को भी ऐसे पीसने हैं। हाँ दीदी। भैया ये ला हम ऐसे पीस ले और महीने से पीसने हैं। सभी को महीन पीसना है दीदी। हाँ भैया। भैया ये ला हम जैसे महीने पीस ले। हाँ दीदी, पीस लिए इसको। हाँ। और 10 लीटर पानी हम उसका डाल दें या ऐसे, या 10 लीटर पानी डलर गई है। 10 लीटर पानी रखे दीदी? हाँ। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे दीदी? पानी के तरफ डाल दिए घड़ा में, एक बाद डाल दो भैया यही है घड़ा में। अच्छा, ये पत्ती का जो पांचों पत्ती को मिला है, कितने किलो का है दीदी? 5 किलो है भैया। 5 किलो और 10 किलो पानी, 10 लीटर पानी। हाँ। अच्छा, इसको कहाँ डालेंगे दीदी? या मटका में डालेंगे भैया। अच्छा, डाल के बताइए। हाँ। ऐसे सब लोग उठाए उठाए के भैया हम यहाँ डाल जाओ, डाल देंगे। अच्छा, सबको डालेंगे दीदी ना? हाँ। ऐसे अच्छा दीदी, ये मटका में डाल के कैसे करेंगे इसको? ऐसे घोल बना दो भैया, ऐसे करके हाथों से हिलाएंगे इसको कि लकड़ी से डलाएंगे? लकड़ी से डलाएंगे भैया, अभी तो हम हाथ से हिलाए हैं। अच्छा, ये पन्नी है भैया, एक मुलाए से करके हम ऐसे ढाक देंगे। ऐसे ढाके के बाद भैया अच्छी रस्सी से मजबूती ऐसे ऐसे बांध दे भैया, ऐसे जेमा हवा पास झेलो है। अच्छा। हाँ दीदी, मुनका बांध के मस्सी से कस दिए। हाँ। इसको कैसे जगह में रखेंगे दीदी? अच्छा जगह में रखो भैया, जहाँ लड़का बच्चा नहीं पहुँच पाएंगे, सुरक्षित जगह में रखेंगे। हाँ।
अच्छा कितना दिन के लिए रखेंगे दीदी इसको? छह दिन में भैया, छह दिन में सड़ जाए। छह दिन में घोर बन जाएगा? हाँ घोर बन जाएगी तर के। अच्छा अच्छा दीदी, इसको छह दिन के लिए रख दी तो कैसे रखेंगे ताकि घोर बन जाए? भैया शाम शाम के हिलाए देबो हम। अरे हिला बता दो क्या होगा दीदी? ये नीचे ऊपर नहीं होगी भैया, पूरा अच्छा रास्ता नहीं निकली है, सड़ ही नहीं। अच्छा तो शाम शाम को हिलाना पड़ेगा? हाँ शाम शाम के हिलाए देबो ताकि अच्छे से सड़ जाए, अच्छा घोल बन जाए। अच्छा दीदी, ये छह दिन में खाद तैयार हो जाएगा तो इसका उपयोग हम कैसे करेंगे दीदी? ये भैया छह दिन के बाद सातों दिन ना हाँ छान के रिश्ते पंप में डाल के हाँ और फिर फसल में छिड़काव करने हैं। कैसे फसल में छिड़काव करेंगे दीदी? कितने दिन के बाद कब कब छिड़काव करेंगे? 25 से 30 दिन तक भैया। 25 से 30 दिन तक? हाँ। अभी फसल में कीड़ा नहीं लगा है तो नहीं छींच पाएंगे? छींच पाएंगे दीदी? लगे तो ठीक में छा भैया। ठीक में 25 से 30 दिन तक ये दवा का यूज कर सकते हैं, कोई तो मतलब ये हमें दीदी? हाँ भैया। तो 5 पत्ती का घोल से क्या लाभ है दीदी? भैया पैसा की बचत आ जाते भैया। पैसा की बचत होती है दीदी? हाँ, जो हमारे फसल में कीड़ा होता है वो भी नहीं होता है। अच्छा। और फिर आसानी होता है क्या छिड़काव करने में? भी आसानी होता है दीदी? हाँ भैया। अच्छा इसको दवाई बनाने में भी अपन को घरेलू दवाई है? अच्छा घरेलू दवाई है, दवाई खरीदने में पड़े इसलिए बहुत अच्छी लाभ है इसमें। हाँ। इसको बनाने से बहुत अच्छा लाभ है। अच्छा लाभ है। हाँ भैया। दीदी ये जो 5 पत्ती का जो घोल बना है दीदी, इसमें बहुत अच्छी बात बताई है आपकी। ये घरेलू हमारे जो उपचार है, हमारे जो पैसों का बचत भी हो रहा है, हमारे जो अनाज में जो कीड़ा लगता है उससे भी हमको अच्छी लाभ है। तो और किसान भाइयों को आप क्या संदेश बताएंगे दीदी इसके बारे में? हाँ भैया, जैसे हम ये घोल बनाए हैं ना, ऐसे अगला किसान भाई भी बना सकता है, ऐसे भी छिड़काव कर सकते हैं ताकि पैसा के बचत आ जाए। और फिर जैसे हम कर रहे हैं वैसे सब किसान भाई भी लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद दीदी, आपने जो 5 पत्ती का घोल बनाए के हमको जो बताए हैं। हाँ। और इतना जो समय अपन आप हमको दिए हैं और अच्छी घोल बना के हमको बताए हैं। हाँ। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ भैया। बाकी राम राम भैया। राम राम।